brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. जी हाँ, वो भोजन दूर नहीं आ, ऐसा ही आता है तो को मालूम पड़े 7 तारीख तक जीतू पटवारी ने भाजपा में आना। आप तो देख लीजिए जिस प्रकार से आना लगा है कांग्रेस छोड़ के, तो हमें तो लग रहा है कि 7 तारीख तक कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भाजपा में आ जाए। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उससे मंत्री जी उत्साहित हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तो अब ये भी तंज कस रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेसी बीजेपी में आ रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी 7 मई तक बीजेपी में आ जाएंगे। इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत ने जीतू पटवारी पर जोरदार हमले किए और दावा किया कि इंदौर से नामांकन वापस लेने वाले अक्षय बम भी जीतू पटवारी के ही आदमी थे। पूरे जीवन में पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि लोकसभा के प्रत्याशी भी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी निर्विरोध हो रहे हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में इंदौर में जो हुआ है तो इंदौर का कांग्रेस का प्रत्याशी पूर्णतः जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रत्याशी था। मैंने जहां तक ये भी सुना है कांग्रेस के कई लोगों ने मना किया था कि इसको टिकट मत दो, लेकिन जीतू पटवारी अपनी जिद पर उसको टिकट दिलाया और आज जब उसने कांग्रेस छोड़कर प्रत्याशी पद ही छोड़ दिया। जीतू पटवारी हमेशा आरोप लगाते हैं कि ये बिक गया, जो भी कांग्रेस से भाजपा में गया बोलते बिक गया। अगर ये भाजपा कप में जो आए हैं बम जी, जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, अगर ये बिक गए तो बिकने का सौदा क्या जीतू पटवारी की सहमति से हुआ होगा? दरअसल गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और जिसके बाद से जीतू पटवारी पार्टी के साथ साथ विपक्ष के भी निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, विजयपुर से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत और मुरैना से कांग्रेस की मेयर शारदा सोलंकी ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, जिसके बाद से कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया है। सागर से हिमांशु शिवापुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।